शिशु भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या के रूप में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, हल्दीघाटी संग्रहालय के मोहनलाल शर्मा और एमपीयूटी कॉलेज के रजिस्ट्रार मुकेश पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय के निदेशक जितेश श्रीमाली ने बताया कि गौरवमय 50 वर्ष पूर्ण होने पर पुस्तक संस्कार शिखा पार्ट 3 का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विद्या रत्न अवार्ड और विवेकानंद अर्जुन एकलव्य पुरस्कारों का वितरण किया गया। शिशु संस्थान के उदयपुर में 5 और विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही विद्यालय में छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। इस स्वर्ण जयंती दशक के अवसर पर विद्यालय की 50 बीघा जमीन पर आवासीय विद्यालय बनाने के लिए उन्होंने पूजन भी किया। शिशु भारती संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी उदयपुर वासियों को अपनी और अपने शिशु भारती स्टाफ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। किसी भी विद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होना अपने आप में उसकी काबिलियत को दर्शाता है कि विद्यालय ने 50 सालों में जो भी अचीवमेंट या जो भी प्रोग्रेस प्राप्त की है वो आज आप सभी यहाँ पर विरासत कार्यक्रम के रूप में देख पा रहे हैं। और हम सभी उदयपुरवासी इस बात के गवाह हैं कि शिशु भारती ने अपने 50 वर्ष आनंद पूर्वक पूरे किए हैं और आगे भी आप सभी का स्नेह और प्रेम मिलता रहेगा और हम आगे भी इसी तरह अपना कारवा चालू रखेंगे। धन्यवाद। आज विद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष का समारोह का कार्यक्रम यहाँ विवेकानंद सभागार मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जिलाधीश महोदय ताराचंद जी मीणा साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथ में ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर मोहनलाल श्रीमाली, निदेशक हल्दीघाटी संग्रहालय, और उनके साथ में मुकेश जी पटेल जो रजिस्ट्रार हैं एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के। मैं इस अवसर पर बालकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई या जो विद्यालय ने संकल्प किया था कि हम स्वर्ण जयंती वर्ष नहीं मना करके और एक पूरे दशक का आयोजन करेंगे, और दशक के आयोजन में विद्यालय के द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की गई उनमें 5 नए विद्यालयों का उदयपुर में संचालन और साथ में ही डे बोर्डिंग यूनिट, हॉस्टल, बच्चों के लिए तरणताल और इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं को काम में लिया गया है। और कल 9 तारीख को जो है विद्यालय की जो 50 बीघा जमीन पर एक आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम भी किया गया है। इस अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और ये बताते हुए मैं बहुत आह्लादित हूं कि विद्यालय जो है नित नए जो है आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहूँगा। धन्यवाद।